इधर 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 ये हैं कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य के सबसे पुराने हाथी आपके नजर के सामने। आप जब कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य घूमने आएंगे तो आपको काफी सारे प्रजाति के बंदर भी दोस्तों मिलेंगे देखने को। और ये भाई साहब के लिए मैंने केला लिया था तो हमने सोचा चलो इनको खिला देते हैं। जरा इनका एटीट्यूड देखो, कितनी मोहब्बत से केले को छील छील कर फिर खा रहे हैं यार। इंसानों से ज्यादा दिमाग होता है इनमें। बस भाई साहब, ये हमारे पूर्वज, इनकी एक प्रजाति है, वो हमारे पूर्वज कहलाते हैं, आप सोच सकते हैं। अरे 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 हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे और जानदार शानदार होंगे। तो आज हम पहुंचे हैं कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य, जो कि भारत नेपाल सीमा पर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद की नानपारा तहसील में स्थित है दोस्तों। और यह प्रभाग लगभग 551 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है दोस्तों। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा है। तराई इकोसिस्टम का एक विशिष्ट उदाहरण है दोस्तों ये। इस जंगल में प्रवेश करने से पहले हमने लिए थे दोस्तों 10 दर्जन केले, जो कि यहाँ पे काफी सारे बंदर पाए जाते हैं। और अभी है ठंडी का मौसम, तो इनके लिए भोजन का प्रबंध करना दोस्तों काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ठंडी के मौसम में जंगल में कोई फल भी नहीं रहते हैं। तो आपके और हमारे जैसे जब यहाँ पे मुसाफिर आते हैं और फिर दोस्तों कुछ खाने पीने वाला लेके आते हैं, तो शायद ये इंतजार में रहते हैं। तो हम आए थे तो हमने सोचा इनके लिए लेके चलते हैं और खिलाएंगे। हमारे दिल को भी सुकून मिलेगा और इनका भी पेट भरेगा। यहाँ पे मंकीज की संख्या ज्यादा थी, तो किसी किसी को मिले हैं 2 और किसी किसी को मिले हैं 3 और किसी किसी के तो कुछ नहीं है। तो ये भाई साहब को जरा देखो, इनके हाथ में 3 हैं और किसी किसी के पास 1 भी नहीं है। मतलब जिसको जितना मिला है वो लेके भाग गया है। भाई साहब तो सामने खड़े हुए, शायद इनको नहीं मिला है तो ये गुस्से में है। ए उधर गाड़ी की तरफ जा रहे हैं सब, जल्दी चलो। तो वहाँ पे बंदरों को केला खिलाने के बाद हमने प्रवेश किया अभी जंगल के थोड़ा और अंदर। और यहाँ पे दोस्तों एक दरगाह स्थित है और इस दरगाह में जो पीर है उनका नाम है लक्कड़ शाह। तो दोस्तों आसपास में काफी सारे दरगाह हैं, तो यहाँ पे काफी सारे लोग आते हैं। जुमा का वक्त है आज, अभी थोड़ी देर में ही नमाज होने वाली है, तो यहाँ पे काफी सारे लोग आपको मिलेंगे देखने को। और आपको मैं पहला दरगाह का थोड़ा नजारा दिखा देता हूँ चारों तरफ घूम करके। आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे कुछ दिखता है नजारा। यहाँ पर जब आप एक नजर डालेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ टेंट दिखेंगे प्लास्टिक के छोटे छोटे, जो कि कुछ लोग यहाँ पे रहते भी हैं। और दोस्तों अभी चल रहा है दिसंबर का महीना, आप सोच सकते हैं कितनी जबरदस्त ठंडी होती होगी। तो ये भाई साहब अपनी अपनी सारी आस्थाएं होती हैं। यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक बैराज बना हुआ है, जिसे घाघरा बैराज या कैलाशपुरी बोला जाता है दोस्तों। और आपको पता ही होगा घाघरा नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है, तो घाघरा नदी के ऊपर ही वो बैराज बना हुआ है, काफी भव्य विशाल बना हुआ है दोस्तों। और उस बैराज से 3 नदियों का उद्गम होता है। मतलब दोस्तों एक ही नदी है, घाघरा नदी बड़ी नदी है, और वो नदी के अंदर जो डैम के पास पानी आता है वो पूरा पानी नेपाल से आता है। और गंगा नदी में तो आपको पता ही होगा कितना स्वच्छ और कितना क्लियर पानी रहता है दोस्तों, तो सारा पानी हिमालय से आता है नेपाल की तरफ। फिर उस पानी को स्टोर करने के बाद वहां से 3 नदियों का उद्गम होता है। एक जो मेन नदी होती है घाघरा, वो सीधे जाती है, और एक राइट को जाती है, एक लिफ्ट को जाती है दोस्तों, जो कि किसानों की सिंचाई में काफी सहायक होती है दोस्तों। तो अभी हम हैं जंगल के कच्चे रास्ते पे, आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त रास्ता है। और ये हमारे सामने देखो जंगली मुर्गा घूम रहा है, ये देखो, ये भाई साहब किधर भाग गया। हाँ ये देखो सामने, बहुत ही स्पीड में भागा यार। ऐसे काफी सारे आपको जंगली मुर्गे यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन आप कभी भी आना दोस्तों तो जंगल के जो जीव है उनको नुकसान मत पहुंचाना। जब हम दरगाह के पास पहुंचे तो हमें यहाँ पे और काफी सारे मंकी मिले, तो हमने सोचा इनको भी खिला देते हैं, बेचारे भूखे होंगे। और काफी लोग भी इनको खिलाते पिलाते हैं यार, लेकिन जंगल में इनके लिए भोजन का प्रबंध करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ठंडी के मौसम में। तो यहाँ पे जो कुछ था हमारे पास हमने इनको खिलाया, बच्चे भी थे काफी सारे। और यहाँ पे देखो कितनी तेज भागे भाई साहब पकड़ के, ये इनको एक ही मिला है। और इनको देखो राजा शहादत अली को कैसे केले को छील छील कर मौत से खा रहे। इधर देखो एक सामने पड़ा हुआ, एक खा रहे हैं। इनकी एक प्रजाति होती है जो हमारे पूर्वज माने जाते हैं। अगर आपने किंग कॉन्ग मूवी देखी होगी तो उसमें जो आपको एनिमल्स दिखा होगा दोस्तों, शायद वही हमारा पूर्वज माना जाता है। और यहाँ पे काफी सारे मंकी दोस्तों, किसी के मुंह में तो एक है, किसी के मुंह में कुछ नहीं है। भाई साहब छोटू देखो कैसा घूम रहा है। और यहाँ पे भी इनको कुछ मिला। अरे दोस्त इनको देखो जरा यार, राजा शहादत अली को जरा देखो कैसे केले को स्टाइल से छील रही है। देखो ये
ये देखो काफी यार मेरे दिल को सुकून मिला इतने करीब से इनको खिलाकर और फिर देखकर। और ये देखो भाई साहब भाग लिए, ये बुलेट पे बैठे हुए हैं इधर। और जरा यार नवाबी देखो इनकी, इधर देखो भाई साहब, ये तो गाड़ी से उतर ही नहीं रहे नीचे, ये इनको शायद कुछ नहीं मिला है। थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है यार मुझे, लेकिन क्या करो, लेकिन डरना नहीं चाहिए क्योंकि ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे आपको कभी भी। फाइनली अभी हमने एक पकड़ लिया है नया रास्ता, आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त रास्ता है, पीछे पेड़ भी टूटा पड़ा हुआ है। अगर भाई कोई जानवर आ गया और किसी ने अगर हमें दौड़ा लिया तो भागेंगे कैसे, ये तो दिक्कत है। और ये जो बाइक चला रहे हैं काफी शेर दिल इंसान है, इनको डर बहुत कम लगता है। और हमारे पीछे जो टीम है हमारी पूरी बहुत ही कम डरती है, सबसे डरपोक मैं ही हूँ इसमें। तो यहाँ पे दोस्तों जो लक्कड़ साहब पीर है उनके एक शागिर्द है यहाँ पे, अभी उनकी दरगाह पे हम पहुंचे हैं और हमारी पूरी टीम पहुंच चुकी है यहाँ पे। गाड़ी वाड़ी खड़ा करते हैं और देखते हैं क्या माहौल है। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं जंगल के एकदम बीचों बीच पॉइंट पे, और यहाँ पे भी एक दरगाह है। जो मैंने आपको इससे पहले जो दरगाह दिखाई थी वो थी लक्कड़ साहब बाबा की दरगाह, और उनके यहाँ पे शागिर्द है, उनके यहाँ पे दरगाह है दोस्तों। और ये जंगल के और काफी बीच पॉइंट पे है, और इस साइड में हमारी गाड़ियां खड़ी हैं, आप देख सकते हैं। काफी जबरदस्त एडवेंचर लगा मुझे यहाँ पे आने में दोस्तों, और काफी रास्ता काफी जबरदस्त खराब है, और एक तरफ से बालू, कहीं कहीं तो पेड़ भी टूटे पड़े हुए हैं, लेकिन सब इग्नोर करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। चलना प्रारंभ करते हैं। बहरा स्कूल कितनी दूर है? नजदीक। ये भैया यहाँ से कितना दूर है? कम से कम बैराज चलते हैं। बैराज कई तरह के स्वेटर लाए पहनी जैकेट होगी तुम कैसे चलो चलिए। दोस्तों में थोड़ी बहुत पंचायत हुई अपनी देहाती भाषा में, और फिर डिसाइड हुआ कि कैलाशपुरी बैराज चलना है। तो हम उसी दरगाह पे आ गए जहाँ पे पहले थे, और हमें यहाँ पे थोड़े बहुत बंदर फिर दिख गए दोस्तों। तो हमारे पास केले बचे हुए थे, तो हमने सोचा यहाँ पे खिला देते इनको, शायद भूखे होंगे। और हमारे सामने आप देख सकते हैं भाई साहब कितनी मोहब्बत से बैठे हुए खा रहे ना, तो हमने सोचा यहाँ पे थोड़ा बहुत फोटो वोटो ले लेंगे और वीडियो तो बना ही लेंगे। और हमारे दोस्तों ने भी केले वेले खिलाए इनको, फिर हम यहाँ से रवाना हुए। यहाँ पे लिखा है कतरनिया घाट वन्य जीव विहार में आपका स्वागत है। अभी हम पहुंच गए हैं कतरनिया घाट वन्य जीव विहार दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, और इधर भी चेतावनी लिखी हुई है बोर्ड पे, और इधर भी चेतावनी लिखी हुई है। अरे भाई यहाँ पे लिखा हुआ चेतावनी, यहाँ पे देख सकते हो, फिर भी ये लोग मान नहीं रहे हैं। ए चलो बंद करो, यहाँ पे बाघ वाघ आ सकता है, यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट करते फिर चलते हैं। उधर देखो अली भाई लोग, तुम लोग देखो, सब लोग एक दूसरे लोग देखो। हाँ छोड़ो 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 चलो। जंगल में थोड़ा बहुत एंजॉय करने के बाद अभी हम पहुंचे हैं नाके पे, एकदम यहाँ पे एक चौराहा बना हुआ है जंगल के एक बीचों बीच पॉइंट में दोस्तों। और यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल की टीम भी है, और यहाँ पे उन्होंने एक कैंप बनाया हुआ है, और आप हमारे सामने देख सकते हैं यहाँ पे जो एनिमल्स के पिक्चर्स यहाँ पे लगे हुए हैं दोस्तों। ये सारे जानवर इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। चेतावनी, संक्षिप्त वन क्षेत्र में प्रवेश करना वर्जित है दोस्तों। सात किलोमीटर यहाँ से बचा हुआ कैलाशपुरी, बाप रे बाप। और दोस्तों यहाँ पे चौराहे पे एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कतरनिया घाट रामपुरवा मटेही विश्नापुर और मिहीपुरवा। दोस्तों यहाँ पे एक चौराहा है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश वन निगम इको टूरिज्म कतरनिया घाट, दूरी 5 किलोमीटर है। और यहाँ पे आप सारे बोर्ड लगे हुए दोस्तों, यहाँ पे आप पढ़ के जा सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजौली, दूरी 10 किलोमीटर है। आंबा है, दूरी 4 किलोमीटर। और इस साइड में यहाँ पे आप देखेंगे, इस साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है गति सीमा 30 किलोमीटर दूरी दोस्तों। यहाँ पे काफी सारे जानवर रहते हैं जैसे शेर,
और हाथी और जैसे काफ़ी सारे जानवर रहते हैं, इसलिए यहाँ पे दोस्तों एवरेज लिमिट स्पीड होती है वो 30 से आगे आप नहीं चल सकते हैं। दोस्तों अभी तो हम जंगल का एक कोना ट्रैवल किए हैं सिर्फ, ये जंगल दोस्तों इतना बड़ा है फिलहाल के लिए। अभी यहाँ हम पहुँचे, यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ एक रास्ता इधर को जाता है और एक रास्ता इस साइड में आता है, एक रास्ता इस साइड में आता है। दोस्तों यहाँ पे काफी सारे रास्ते जाते हैं, इस साइड में एक गांव है, यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र भी इस साइड में, यहाँ पे काफी सारे बैनर लगे हुए, आप अपने हिसाब से जा सकते हो और घूम सकते हैं। तो हम लोग अभी चल रहे हैं ना कैलाशपुरी, जो कि एक बैराज है, अभी यहाँ से करीब उसकी दूरी है 7 या 8 किलोमीटर, तो हम चलना प्रारंभ करते हैं, वहाँ पहुँच कर फिर मुलाकात करते हैं। दोस्तों वहाँ से निकलने के बाद हमें रास्ते में मिले कुछ हाथी जो कि यहाँ पे बंधे हुए थे, लेकिन दोस्तों ऐसा जो आसपास के यहाँ पे जो भैया बैठे हुए हैं लकड़ी पे, इनसे हमने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि ये इसी जंगल के जानवर हैं, लेकिन इनको कोई नुकसान न पहुंचा पाए और इसीलिए इनको पालतू बनाकर रखा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके सामने काफी गन्ना भी पड़ा हुआ है, ये खा पी रहे हैं दोस्तों, ऐसे चर चर की आवाज आ रही थी इनके मुंह से जब ये गन्ना खा रहे थे, काफी जबरदस्त लगा हमें इन्हें पास में देखने से, काफी अच्छा फील हुआ। मैंने अपनी लाइफ में दोस्तों हाथी को इतनी करीब से पहली बार देखा है, सर्कस में तो देखा है लेकिन इतना करीब से नहीं देखा है। फिर यहाँ पे हमारे दोस्तों ने कुछ फोटोग्राफी की और फोटोग्राफी के माध्यम से एलिफेंट्स को अपने पिक्चर्स में कैद किया दोस्तों, और आप हमारे सामने देख सकते हैं एकदम सामने से अभी मेरा कैमरे का एंगल है, और यहाँ पे सामने नीचे पड़ा हुआ है गन्ना जो कि सूंड से इनको पकड़ पकड़ के फिर खाते हैं इनको।
दोस्तों, आज के हमारे गाइड हैं दोस्तों। पहले दोस्त आप अपना नाम बताइए। अरे गाइड साहब नाम ही नहीं बता रहे भाई, नाम बताओ पहले। आपका नाम क्या है? इमरान हाशमी। इमरान नहीं यार, हाशमी तो अलग है भाई, आप कौन है? इमरान हाशमी। तो दोस्तों आज हमें यहाँ पे इस टूरिस्ट प्लेस में इमरान भाई हमारे जो है जो कि बिलोंग करते हैं ग्राम भवनी सहिदा उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बहराइच से। और दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ बैराज के एकदम ऊपर, और यहाँ इस साइड में आप देख सकते हैं ये जो पुल बना हुआ है, इस साइड में एक दोस्तों ये बैराज का पुल बना हुआ है और एक बैराज का इस साइड में पुल बना हुआ है दोस्तों। और इस साइड में जो आप ये हमारे सामने जो आपको जिस तरह मैं हाथ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो आप पानी भरा देख रहे हैं यहाँ से दूर दूर तक दोस्तों, ये सारा पानी आता है नेपाल से। और आपको जब आपकी नज़र इधर जाएगी इस साइड में दोस्तों, तो आपको एक छोटा छोटा पीछे पहाड़ जैसा लग रहा होगा, ये है दोस्तों नेपाल का बॉर्डर जो कि इस साइड से पानी आता है। और जितना पानी यहाँ आता है दोस्तों यहाँ पे भर के उसको स्टोर किया जाता है। और स्टोर दोस्तों इससे किया जाता है, यहाँ पे आप लोहे के तावे लगे हुए एक साइड में और वहीं से उसी से पानी को स्टोर किया जाता है। फिर यहाँ से इस साइड में से एक नदी इस साइड को छोड़ी जाती है और एक नदी इस साइड को छोड़ी जाती है जो जाके गंगा में मिलती है दोस्तों। और आपको पता होगा दोस्तों घाघरा नदी जो घाघरा नदी है वो गंगा नदी की सहायक नदी, तो यहाँ से जितना पानी आता है वो गंगा नदी में जाके मिल जाता है। और अभी हम चलने वाले उस साइड में, यहाँ पे इस साइड में चलेंगे दोस्तों, आपको वीडियो बना के दिखाएंगे किस प्रकार से दिखता है। और यहाँ पे इसके ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर लगा हुआ है ताला, तो यहीं से इसको एंड करते हैं। और इस साइड में एक गार्डन छोटा सा बना हुआ है, अगर आप घूमने आ रहे हैं तो यहाँ पे अपना वीडियो शूट करते हैं, फोटो क्लिक कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के लिए काफी जगह है, यहाँ पे आप घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, काफी लोग घूम रहे हैं आप देख। तो यहाँ पर आप जब नजर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त चित्रकला कारीगरी का अपना दोस्तों प्रदर्शन किया गया है। इस साइड में देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है मोटर का और डैम का, और इस साइड में काफ़ी ज़बरदस्त चित्रकारी की गई है। और यहाँ पे आप जब मैं कैमरे को जूम करूँगा 2x 3x दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी स्पीड में पानी इधर से डैम के अंदर से निकलकर इधर को बहाव मार रहा है दोस्तों। और जब आप पानी पे नज़र डालेंगे तो काफ़ी साफ सुथरा पानी है, क्योंकि ये जो दोस्तों पानी है ये डायरेक्ट हिमालय से आता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो और ये हमारा छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। और अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई होगी ना आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो और ऐसे ज़बरदस्त जानदार कंटेंट हमारे चैनल पे आते रहते हैं। और दोस्तों ये हमारा छोटा सा प्रयास था जो कि हम आए थे जंगल घूमने और आपको भी दिखाया घुमाया, जो कुछ हमने देखा और आपको भी दिखाया, जो कुछ हमें बताने वाला था आपको इस जंगल के बारे में, यहाँ के बारे में मैंने बताया, प्रयास किया। कुछ गलती होगी तो माफ़ करना, धन्यवाद।